गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन. डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर सेकेंड सेशन ऑफ चैप्टर 7. सो आवर न्यू टॉपिक इज हाउ डू लीव्स मेक फूड. एज यू ऑल नो देयर चिल्ड्रन, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, एंड दे यूज वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर we have to do this activity. It was your homework. Okay, now I will explain it. Mona picked up a leaf from the ground. Means Mona hai, usne ground se ek leaf uthai. Okay, as you can see this leaf. Okay, नाउ लेबल द फॉलोइंग इन द इमेज. आपको ये जो लीव के पिक्चर है उसमें आपको ये वाले जो पार्ट्स हैं इन्हें लेबल करना है, मीन्स इनके नेम राइट करने हैं. सो लीव ब्लेड, लीव ब्लेड कौन सा पार्ट होता है? जो लीव का ब्रॉड पार्ट होता है यही क्या है, लीव ब्लेड. सेकेंड मैनविन, दिस इज मैनविन फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ लीव. ओके, एंड दिस इज मैनविन. ओके, नाउ जो साइड से निकलती हैं इट इज कॉल्ड साइड विन. गिव वन यूज ऑफ दिस लीव. आपको इस लीव का, ये कौन सी लीव है? ये नीम लीव है, नीम लीव्स हैं. ओके, सो आपको इसकी प्रॉपर्टीज बतानी हैं. सो नीम लीव की जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. ओके, देर आर सो मैनी इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ नेम लीव्स, बट हमें यहाँ पे वन ही यूज़ लिखना है. सो हम इसमें चूज़ कर सकते हैं, इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़. ओके, ये बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है. विच पार्ट ऑफ द लीव हेल्प्स अ प्लांट टू ब्रीथ. प्लांट का, प्लांट में कौन सा पार्ट है जो कि क्या करता है, प्लांट को ब्रीथ करवाता है? तो वो लीव पार्ट है. और लीव पार्ट में भी कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं? स्टोमेटा. ओके, हाउ डू लीव्स मेक फूड. जो लीव्स हैं वो अपना फूड किस तरह से बनाती हैं? वी हैव लर्न दैट क्लोरोफिल इन द लीव्स हेल्प्स ए प्लांट टू मेक फूड. ओके, हमने स्टार्टिंग, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब देखा था, उसमें पढ़ा था कि जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो लीफ होती है उनका कलर ग्रीन होता है. सो ये एक सब्सटेंस होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है. ये क्या करता है? प्लांट्स की हेल्प करता है फूड प्रिपेयर करने के लिए. ओके, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. यानी वो प्रोसेस जिसके हेल्प से जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. टू मेक फूड अ लीफ ऑल्सो नीड्स वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है, यानी किस किस चीज़ की नीड होती है उसे? वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दिस रॉ मटेरियल इज क्वाइट सिंपल. और ये जो मटेरियल है ये इसे कहाँ से मिलता है? बहुत सिंपल सी चीज़ें. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड कैरिड बाय द स्टेम टू द लीव्स. वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है ग्राउंड से. ओके, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल व्हेन इट फॉल्स ऑन द लीव्स. देखिए, जब भी क्लोरोफिल का क्या वर्क होता है, फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट वर्क है कि ये प्लांट्स को लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है. सेकंड, इसका मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो ये है कि जब भी प्लांट्स पर सनलाइट पड़ती है तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, उसे कैप्चर करता है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर टेकन इन थ्रू द स्टोमेटा. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है प्लांट्स को? जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी जो आसपास प्लांट्स के जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? जिस गैस को एनिमल और ह्यूमन बींग ब्रीथ आउट करते हैं. ओके, वही क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. और उसको प्लांट क्या करते हैं? ब्रीथ इन करते हैं. किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू. ओके, सो इस तरह से गैसेज जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं.
और प्लांट्स अपने अंदर CO2 को भी स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, जो कि कहाँ हेल्प करेगी, फूड प्रिपेयर में। ये एक तरह से रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जांपल, हमें जब भी कोई डिश प्रिपेयर करना होती है तो हमें उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल, वी वांट टू कुक आलू पराठा, सो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा, पटेटो, ऑयल, फ्लावर। ओके, इसी तरह से प्लांट जो हैं उन्हें भी फूड प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और ये मटेरियल उन्हें कहाँ से प्रोवाइड होता है, वाटर कहाँ से प्रोवाइड होगा, रूट्स के थ्रू। ओके, एंड सनलाइट जो इस पर पड़ती है वो क्लोरोफिल कैप्चर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एयर से मिलती है। आफ्टर द फूड इज़ प्रिपेयर्ड, ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन टू द एयर थ्रू द स्टोमेटा। ओके, जब फूड प्रिपेयर हो जाता है, ये पूरी प्रोसेस हो जाती है फोटोसिंथेसिस की, उसके बाद जो मटेरियल बनता है वो क्या होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, सो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर्ड रहती है, और जो ऑक्सीजन जो गैस बनती है वो प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, जिसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं। ओके, सो ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट इन टू द एयर थ्रू द स्टोमेटा, वही स्टोमेटा के थ्रू क्या कर दी जाती है, ऑक्सीजन गैस बाहर एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है। दैट इज़ व्हाई वी ऑलवेज से दैट प्लांट हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमारी एयर को क्लीन रखने में काम आते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई अनदर सोर्स नहीं है, वो हमें प्लांट से ही मिलती है। ओके, एंड विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लीव। ओके, बिना ऑक्सीजन के हम नहीं जी सकते। ओके, सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। ओके, हमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ही वहाँ का फ्रेश एनवायरमेंट रहता है।